अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज काफ़ी ठंडा मौसम था, ठंडा नहीं वैसे नॉर्मल मज़ेदार, और दिल किया बाहर जाऊँ तो ये सदमे में आया हूँ। काफ़ी ठंडा पानी है, ये इतना भी ठंडा नहीं है, मज़ा आ रहा है। बच गया। कभी भी खेतों में आया तो ये कभी नहीं करना, क्योंकि इस तरह चप्पल आगे चली जाएगी आपकी। चले आगे चलते हैं, अभी काफ़ी चीज़ें हैं और काफ़ी कुछ मज़े करेंगे। ये यहाँ पे पानी है, ये फसलों के लिए। और ये क्या, ये बेर, और अगर सही होंगे तो खाएंगे वरना। इसमें तो बेर ही नहीं है यार, ये कैसा गलत है, कम है लेकिन वो भी खाने के काबिल नहीं है। से भागता हुआ वो दूर तक चला गया, लेकिन क्या कर सकता हूँ, किसी की फसल है खराब हो जाएगी तो, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। ये गंदम की फसल है और ये अभी पकी नहीं है, अभी हरी भरी है, लेकिन चंद माह तक ये बिल्कुल सही पक जाएगी। तो ये कटेगी, फिर ये साफ होगी और फिर इसकी वजह से ये गंदम का बहरान कम होगा और खुशहाली आएगी। तो ये अगले 3-4 माह तक ठीक हो ही जाएगी, लेकिन एक अफसोस है क्योंकि अगले 3-4 माह तक गर्मी आ जाएगी, सब लोग अंदर चले जाएंगे और ये बिल्कुल जगह साफ़ हो जाएगी, बस मिट्टी और मिट्टी, जगह वीरान हो जाएगी, तो मज़ा नहीं आता फिर इस तरह। लेकिन अगर इस तरह रहे ना सारा साल तो फिर तो मज़ा आएगा। और ये सरसों का फूल है और ये और बेरियाँ हैं, और यहाँ पे अगर बेर हुए तो देखेंगे। और चलें, यहाँ पे भी बेर नहीं है इतने, लेकिन अभी पक्के नहीं हैं, अभी सारे कच्चे हैं। ये 3-4 हैं बेर के दरख्त, लेकिन कच्चे हैं ये सारे दरख्त, नहीं कच्चे इनके जो बेर हैं वो कच्चे हैं। तो ये ऊपर ऊपर है, नीचे तो कहीं भी नहीं है, ये सारे ऊपर ऊपर बेर है, नीचे नहीं है, इसलिए ऊपर भी नहीं जा सकते और ऊपर नज़र आ रहे हैं कि कच्चे हैं। चलें कहीं और देखते हैं। मेरी जगह पे मैंने कहा अकेले क्या जाना है, तो हमने दोस्तों को साथ लेके आऊँ। तो ये मेरा एक दोस्त है, इसका नाम है अब्दुल्ला। तो मज़ा आ रहा है आपको, देखें मज़ा आ रहा है, मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये और भी दोस्त हैं, ये बेर उतार रहे हैं, मैं भी जाके देखता हूँ। तो ये भी बेर उतार रहे हैं और ये देसी स्टाइल है बेर उतारने का, पत्थर मारो बेर नीचे। तो ये आसान ट्रिक है आप लोगों के लिए। बेर नहीं मिले तो यहाँ आए, यहाँ पे भी 3-4 बेर के दरख्त है, लेकिन यहाँ पे भी कच्चे हैं, शायद हमारी किस्मत में ही नहीं थे। तो ये क्या पानी पी रहे हैं, तो मुझे भी प्यास लगी तो मैंने भी पीना है। साफ पानी आ रहा है, ये मज़ा आता पीने में। तो मैंने भी पीने पानी है, ये क्या कांटे हैं यहाँ पे, तो पानी पी लें। मज़ा आ गया पानी पी के, और भूख में भी पानी है, एक दो फिर पी लें। हाँ मज़ा आ गया, चेहरा भी थोड़ा सही है, चेहरा ठंडा मुँह भी ठंडा। ओह कांटे मेरी आँखों में, तो ये अब्दुल्ला भी आई है, तो वो दूसरे दोस्त एक और जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी बेर है शायद। कह रहे मैं भी जाऊँ, जब में भी जाना चाहिए।
तो ओ मेरी चप्पल उतर गई। जल्दी भागो, जल्दी 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 भागो। अब्दुल्ला की स्पीड मुझसे कम है, मैं जा रहा जल्दी भागता हूँ। फिर चप्पल उतर गई मेरी। पानी था ना, और ये अब गंदी होगी, दोबारा धोते हैं, लेकिन इतनी दूर आए ये लेके ही जाएंगे। तो ये इस पे भी कच्चे हैं आगे। मुझे सिर्फ दो पेड़ मिले हैं, जो एक मैंने उठाया नीचे से, एक दोस्त ने दिया। यहाँ पे भी इतने हाथ नहीं है, मतलब है ही नहीं है, जो है वो मिल नहीं रहे। तो हम वापस जा रहे हैं उसी रास्ते से, क्योंकि पाँव मैंने धोने में जाके कीचड़ से भर गया मेरा पाँव। और फिर वापस तो, अब्दुल्ला रेस लगाई चल, मैं जा रहा हूँ। बिस्मिल्ला। अच्छा रुकना, नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पहले जाऊँगा और पहले पाँव धो लूँगा। वो तो कह रहा मैंने रेस नहीं लगाई, मैं भी भाग लूँ, फिर मैं आराम से जाता हूँ। नहीं नहीं फिर भी मेरा दिल कर रहा है भागने के, लेकिन फिर जाऊँगा और ये वापस उस जगह पे। अब इस तरफ और ये आ गए, और ये मेरा पाँव। तो पाँव साफ हो गया अब आप। ओ ये पता नहीं कैसे इसका बॉक्स पड़ा हो, छोड़े हम जा रहे हैं वापस। आ जाओ चलें, अब वापस जा रहे हैं, जाके कुछ मज़ा करते हैं। दूर दूर तक सब्ज़ा है, ये दूर दूर तक, दरमियान में वो सरसों के फूल, ये दरख्त, और दूर दूर तक सब्ज़ा, दरख्त और सब्ज़ा और ग्रीनरी। क्या मज़ा है इसमें, मज़ा अलग ही आता है ये अल्लाह की कुदरत में बैठने का। और आह ठंडी ठंडी हवाएं, काफ़ी मज़ा आता है। हम वापस जा रहे हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।